केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी गारंटी दे रही है, जबकि इन गारंटी देने वालों की खुद अपनी गारंटी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना कांग्रेस के राज में लुट गई बहना, मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना कांग्रेस के राज में लुट गई बहना। कांग्रेस कहती है कि हमारे पास दर्जनों गारंटी हैं, पर गारंटी देने वालों की क्या गारंटी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने जो काम किया है वो बहुत अलग है। सीखो कमाओ योजना अपने आप में युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने की योजना है, जहां पर युवा हाथ फैलाकर जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनते हैं। लोगों की जुबान पर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना, ये अंतर साफ नजर आता है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो गारंटियां देती फिर रही है कांग्रेस, वह कहते हैं हमारे पास दर्जनों गारंटी, पर गारंटर की क्या गारंटी है। राहुल गांधी गायब है, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जे माफ होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, 10 दिन के 10 महीने भी सरकार रही क्या बदला? ये तो कांग्रेसियों ने और जनता ने बदला। उसके बाद सीखो कमाओ योजना, जिसको मुख्यमंत्री स्काई के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने आप में युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने की योजना है, जहां पर युवा हाथ फैलाकर नहीं जॉब मांगने वाले नहीं जॉब देने वाले बनते हैं। और जॉब गिवर बनना जॉब सीकर से एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसमें मध्य प्रदेश की ये योजना बहुत सफल भी हुई। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे युवाओं के लिए बहुत सारी अन्य योजनाएं, जब मैं खेलों की बात करता हूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आज तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल आयोजन कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ, एक नहीं 5-5, 6-6 जिलों में जाकर हुआ। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड मेडल भी जीते, और आज अगर एक्वेस्टेरियन में घुड़सवारी में और शूटिंग में अगर सबसे बड़े सेंटर और बेहतर सेंटर और आधुनिक सेंटर कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में बने हैं। और यही नहीं, यहां पर लर्निंग एंड अर्निंग ये दोनों के लिए स्काई योजना तो सफल हुई ही। इसके साथ साथ एक और योजना जो उद्यम क्रांति योजना है, उसके माध्यम से भी 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक हमारे युवाओं को दिए गए अपना उद्योग खड़ा करने के लिए, स्किलिंग के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल सेंटर सिंगापुर के साथ टाई अप करके 6,000 से ज्यादा युवाओं को प्रतिवर्ष यहां पर सिखाने की योजना है। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार, महिला अत्याचार में कांग्रेस शासित राजस्थान, महिला अत्याचार में कांग्रेस शासित राजस्थान नंबर एक पर है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार, और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज, देश में नंबर वन महिला अपराध राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस गारंटी देकर फेल होती है और कांग्रेस की गारंटी भी फेल होती है। कांग्रेस 60 सालों से गरीबी हटाओ की बात कह रही थी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गरीबी से बाहर निकाला। ये है कि कांग्रेस गारंटी देके फेल होती है और उनकी गारंटियां भी फेल होती है। कांग्रेस तो 60 साल से कह रही थी पंडित नेहरू के समय से गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी आई गरीबी हटाओ, राजीव गांधी आई गरीबी हटाओ, फिर सोनिया गांधी जी आई गरीबी हटाओ, राहुल गांधी आई गरीबी हटाओ, प्रियंका गांधी आई गरीबी हटाओ, ये नारे ही देते हैं करते नहीं है। लेकिन मोदी सरकार आई तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए,
मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लाखों घर वहां बनाकर दिए गए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक थी, ना शौचालय बनवाकर दिए, ना पक्के मकान महिलाओं को बनाकर दिए, ना रसोई गैस का सिलेंडर दिया, ना घर तक जल पहुंचाया। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं और गर्व के साथ कहता हूं, गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी आए तो 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त, हर घर को बिजली देना, स्वाभिमान का जीने का अवसर दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।